एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है। सुनैना और साक्षी की लव स्टोरी में सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देख लिया होता है कि समीर ने कर दिया होता है कान और सुनैना साक्षी की सारी लव मेकिंग वीडियो भेज दिया होता है साक्षी के घर। और साक्षी और सुनैना इस चीज़ से अनजान अपने ही मोमेंट को इंजॉय कर रहे होते हैं। तो देखते हैं अब इन दोनों की लव स्टोरी में क्या भूचाल आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो समीर तो कांड कर दिया होता है और जो साक्षी के पेरेंट्स होते हैं उसका भाई होता है सब एकदम घर में और साक्षी को एकदम कॉल करके बुला रहे होते हैं कि साक्षी की जल्दी घर आओ। साक्षी भी एकदम घबरा रही होती है कि समीर वाला कांड पता तो नहीं चल गया होता है ना। वो सुनैना के साथ एकदम घबरा रही होती है। सुनैना बोलती है बच्चा यू ऑलराइट, क्या हुआ? तो बोलती कि घर पे पापा वो। तो सुनैना बोलती कि क्या हुआ घर पे? तो बोलती कि पापा बहुत गुस्सा है, तुरंत से बुला रहे, मुझे जाना पड़ेगा। तो सुनैना बोलती कि मैं साथ आऊँ? तो साक्षी बोलती नहीं नहीं उसके उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुनैना बोलती कि मैं आती हूँ ना। तो उसके जो जो साक्षी होते बोलते कि नहीं 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 उसकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, कुछ 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 होगा तो मैं आपको बताऊँगी, आप ऑटो करके चले जाओ, मैं घर जाती हूँ। ऐसे ना बहुत ज़्यादा घबराती है वो और ऑटो करके निकल लेती है अपने घर, मतलब अपने घर। और उसके घर पे उसके पापा, उसके भैया, उसकी मम्मा सब कोई लिविंग रूम में बैठ के साक्षी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। साक्षी जैसे घबराते घबराते घर पहुंच रही होती है, बोलती होती भगवान आज बेचारो समीर वाला कांड सामने नहीं आना चाहिए, कभी तो मैं संभाल लूँगी, मैं बोल दूँगी वही मेरे पीछे पड़ा था, मैं भी पीछे नहीं पड़ी थी, उसने ही मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी और वीडियो प्रूफ है ना उसकी, सब दिखा पड़ेगी, कुछ कुछ नहीं होगा साक्षी, कुछ नहीं होगा, ठीक है आप जाने नहीं देंगे, क्या 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 हो जाएगा। ऐसे ना घबरा रही होती है बट बहुत कॉन्फिडेंस होती है। और ना जैसे घर के अंदर आती है ना, उसके पापा देखते हैं साक्षी, साक्षी बोलते हाँ 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 पापा। तो उसके पापा बोलते हाँ। तो साक्षी बोलते हाँ हाँ पापा 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 बोले। तो उसके पापा बोलते कि साक्षी ये क्या है? तो साक्षी बोलते क्या क्या है पापा? बोलती है साक्षी ये सब क्या है? ऐसे बोल के ना फ़ोन पे जितने फ़ोटो होते हैं ना वो साक्षी को दिखा देते हैं। साक्षी के ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो सोची क्या होती है, निकल के जाता है और मतलब भाई कैसे, मतलब कोई चीज़ दिमाग में भी ना हो, सोचा भी ना हो, वो चीज़ ना सामने आ जाए जब, तो कैसे रिएक्शन होगा? सेम वैसे रिएक्शन होते हैं। उसके पापा ने एकदम आते हैं साक्षी के पास और घींच के एक थप्पड़ देते हैं और बोलते हैं कि साक्षी ये करने के लिए तुमको कॉलेज भेजा था, स्कूल भेजा था मैंने, हाँ ये करने के लिए इतना बड़ा छोटे से बड़ा किया था, हाँ और तुम ऐसे कब होगी? और ये लड़की कहाँ पे, इसको अभी के अभी बुलाओ। तो साक्षी एकदम घबरा जाते, बोलते पापा 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 ये सच नहीं है। तो उसके पापा बोलते फिर क्या सच है? तो उस जो साक्षी की मम्मा होते हैं ना वो भी आती है, खींच के थप्पड़ देती है साक्षी को, बोलती है साक्षी तो ये इसीलिए तुम बुलाती थी ना तुम्हारी सुनैना मैम को, बोलती थी मम्मा प्रोजेक्ट और रूम में जाके ये सब करते थे, छी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मेरी बेटी इतना गंदा काम करती है। उसका भाई बोलता है कि पापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी चॉइस है ना, छोड़िए ना उसको। तो साक्षी बोलती कि पापा ऐसा कुछ कुछ नहीं, मुझे समझाने का मौका दे दीजिए। उसके पापा बोलते क्या समझोगा, क्या समझो, ये सब क्या नाटक लगा रखे हैं साक्षी, तुम लेस्बियन हो, तुम किसी लड़की से प्यार करती हो? तो साक्षी बोलती नहीं 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 पापा ऐसा 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 कुछ नहीं है। उसके पापा बोलते तो फिर ये फोटोग्राफ क्या है? बोलती पापा 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 वो पापा उसने मुझे मजबूर किया था। बोलती कि क्या? तो बोलती कि साक्षी हाँ उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं अगर उसके उनके उनके साथ रिश्ता नहीं रखूँगी तो वो मुझे फेल कर देंगे इसलिए। तो भाई साहब जो उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रही होती है, जो उससे के लिए दुनिया से लड़ रही होती है, भाई साहब उसने ही सुनैना को फंसा दिया होता है साक्षी ने, मतलब कोई बिलीव कर सकता है? तो उसका पापा बोलते कि ला उस लड़की को। तो बोलते कि पापा पापा तू बोलते कि पापा प्लीज उनको कुछ 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 मत बोलिए। तो उसके पापा बोलते उसने तुमको ब्लैकमेल किया था ना बेटा, तो उसका सजा तो उसको मिलना चाहिए और उसको उस स्कूल में रहने का मैं दूंगा भी नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुमने बता दी, बट बाकी बच्चियों का ये तो मतलब तुम्हारा नहीं, बाकी लोगों का भी यूज़ कर रही होगी ऐसे ही, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो साक्षी की मम्मा चलो प्रिंसिपल से कंप्लेंट करते हैं।
ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है। ऐसे बोल के ना प्रिंसिपल को कॉल करती है। इधर साक्षी के हाथ पर एकदम कांप रहे होते, एकदम बोलती कि क्या 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 बोल दिया, अब आप सुने ना कि क्या होगा। पापा उसके उसको तो कुछ नहीं करेगी ना। नहीं 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 कुछ 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 नहीं होने दूंगी मैं सब संभाल लूंगी। बोलती पापा छोड़िए ना। तो उसके बाद बोलती बेटा ऐसे कैसे छोड़ू, हाँ उसने मेरी बेटी के साथ गलत किया, मेरी बेटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो साक्षी बोलते पापा ऐसे नहीं है प्लीज छोड़ो ना। तो उसके पापा बोलते ठीक है, लेकिन नहीं पापा मुझे मुझे किसी से रिवेंज नहीं लेना है। अगर अगर वो स्कूल में पता चल गई तो ये बात में पता चल जाएगी कि मैं एक लड़की के साथ, और पापा मेरी बहुत बदनामी हुई। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए आप उनको उनको प्लीज़ पर्सनली समझा दीजिए, वो मेरे साथ कुछ ना करे। बट प्लीज़ पापा उनको जॉब से मत निकालिए। वो अचानक से जॉब से निकल के तो मैं फिर ये बात बाहर आ जाएगी। पापा प्लीज़ ऐसे बोल के ना अपने पापा के पैरों में गिरने वाली हरकतें करने लगती है। तो उसके पापा को भी लगता है कि हाँ बात तो सही कर रही है। और उसके पापा बोले उसका घर कहाँ है। तो बोले मुझे 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 तो बोलती कि उसका घर कहाँ है। तो साक्षी बोलती है एड्रेस बता देती है उसके घर का। तो बोलती चलो, तो साक्षी बोलती है कहाँ पापा। तो बोलती उसके घर जाना, चलो बेटा तुमको ऑफिशियली कुछ नहीं करना है ना, तो पर्सनली उसको वर्न करके आना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ मंगा लिया है और उसको उसका अंजाम नहीं पता। उस शहर से ही गायब कर दूंगा उसको, और मैं अभी उसको स्कूल में बोल के कोई उससे जॉब से नहीं निकालूंगा, बट वो उसको खुद से ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए उसको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा। तो साक्षी बोलते नहीं पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके पापा बोलते कि बेटा कि मेरी बेटी के साथ खेला है किसी ने, मेरी बेटी के साथ जो दूसरों को इंसाफ देता है वो अपनी बेटी के साथ कैसे ना इंसाफी होने देगा। चलो साक्षी मैं अभी चलो ऐसे बोल के है ना साक्षी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती ना खींचते खींचते उसको कार में बिठा लेते हैं। और साक्षी यहाँ उसकी तो एकदम घबराहट के मारे हालत ख़राब हो रही होती है, थर थर काँप रही होती है। बोलती सुने ना प्लीज़ घर मत पहुँचना, प्लीज़ मत घर पहुँचना। वो ना टैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, बस उसके हाथ भी काँप रहे होते। तो उसके मम्मा ना उसका फ़ोन खींच लेती है और बोलती क्या करने की कोशिश कर रही हो, हाँ चुपचाप से गाड़ी में बैठे रहो, तुम्हारे पापा है ना सब चीज़ हैंडल कर रहे। और अगर ये झूठ निकला ना साक्षी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम हमारे साथ इस शहर में भी नहीं रहने वाली, समझी। अगर ये बात झूठ निकली अगर सुने ना और तुम्हारा कुछ ऐसा निकला तो साक्षी बोलती कि मम्मा आपको अपनी अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है क्या, मैं क्यों क्यों झूठ बोलूँगी किसी को, हाँ मैं कोई झूठ झूठ नहीं बोल रही। तो उसके पापा बोलते कि अपनी बेटी को क्यों डांट रही हूँ, एक तो ख्याल नहीं रखती वो औरत है कि हमारी बेटी का ब्लैकमेल करके उसका फ़ायदा उठा रही थी इतने दिन से, और तुमको कुछ पता ही नहीं था और उल्टा मेरी बेटी को तुम डांट रही हो। ऐसे बोल के ना उसके पापा भी उसको डांट देते, तो उसके मम्मा को डांट देते और ऐसे ना डांटते डांटते ना सुनने ना के घर के बाहर पहुँच जाते। दूसरी तरफ ना सुनने ना बहुत खुश होती है, एक समीर वाला टेंशन भी चला जा चुका होता है और साक्षी के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद एकदम ना उसके ना दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा होता है। उसका मन करता है कि साक्षी को हग कर लूँ चूम लूँ। वो एकदम ब्लेस फील कर रही होती है साक्षी की, थैंक गॉड कि इतनी अच्छी पार्टनर मेरे पास, मुझे सपोर्ट करती है, मेरे लिए स्टैंड लेती है और मुझे इतना ज़्यादा प्यार करके इतना समझती है। ऐसे बोल के ना वो एकदम से नाच रही होती है, गा रही होती है अपने रूम में। उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ खाना वाना नहीं उन्होंने महारानी जी को। तो सुने ना बोलती मम्मा आज रेस्टोरेंट चले खाना खाने। तो उसके मम्मा बोलती कि भाई कुछ बात है क्या। तो सुने ना बोलती नहीं नहीं मम्मा बस ऐसे ही मेरा मन हो रहा बाहर खाने खाने का। उसके मम्मा बोलती ठीक है मैं अच्छी साड़ी पहन के आती हूँ। ऐसे बोल के उसकी मम्मा तैयार हो जाती है और सुनैना भी ना इतनी ज़्यादा खुश होती है ना, वो भी एकदम सच संवर रही होती है बहुत ज़्यादा अच्छे से। और दोनों ही माँ बेटे जैसे सच संवर के ना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, उनके बेल पे ना रिंग होता है, ये लोग दरवाज़ा खोलने ही वाले होते हैं और उनके बेल पे रिंग होता है। और जैसे सुने ना ओपन करती है ना दरवाज़ा, देखती है सामने साक्षी घबराई हुई सी, सुने ना एकदम उसके पेरेंट्स को देखती ही नहीं, एकदम साक्षी को घबराते हुए देखे ना, बोलती हे साक्षी आ रही ऑल राइट, और तुम बच्चा तुम्हारे आके मैं आंसू और क्या हुआ ऐसे ना उसको टच करके ना हग करने की कोशिश करती है। तो उसके जो पापा होते हैं ना साक्षी के पापा एकदम से खींचते हैं और सुने ना को एकदम खींच के थप्पड़ लगा देते हैं। सुने ना एकदम शॉक बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टच करने की, हाँ कब से चल रहा था, हाँ मेरी बेटी को तुमने ब्लैकमेल किया। सुने ना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता किसको मैंने ब्लैकमेल किया। तो बोलती है तुम तो उसके दिमाग में नहीं ये चल रहा होता। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी, तुमको पता है मैं कौन हूँ, हाँ कौन हूँ मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से मैं एक हूँ, पता है तुमको मेरे औकात मेरी औदा क्या है, मैं चाहूँ ना इस शहर से तुमको अभी के अभी गायब कर दूँ और तुमने मेरी बेटी के बॉडी पे हाथ डालने की कोशिश की, हाँ तुमको तो मैं जान से मार दूँ बट मेरी बेटी है जो बदनामी नहीं चाहती, बदनामी कुछ नहीं है मेरी बेटी की खुशी के सामने। पर सुने ना बोलती पर मैंने क्या किया है सर, बोली तो बोलती तुम मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रही थी।
तो सुनैन बोलती, पर मैं साक्षी को ब्लैकमेल क्यों करूंगी, किस चीज के लिए करूंगी ब्लैकमेल, वो मेरी स्टूडेंट है सर। तो बोलते, अच्छा तुम्हारी स्टूडेंट है, ऐसे बोल के ना अपने फोन से सारे के सारे फोटो निकाल के ना सुनैना और उसकी मम्मी के सामने एकदम शो कर देते। उसकी मम्मी एकदम से आगे बढ़ती है और सुनैना को पीछे ले लेती है और बोलती कि क्या बात है, आप मुझसे बात कीजिए, क्या बात है। तो उसके पापा बोलते कि आपकी बेटी मेरी बेटी को ब्लैकमेल करती है उसके साथ, वो सब गंदा काम करने के लिए। तो सुनैना की मम्मा एकदम से गुस्से में बोलती कि अच्छा मेरी बेटी आपकी बेटी को ब्लैकमेल करती है, हाँ आपकी बेटी खुद से मेरे घर आती है और आधी आधी रात को भी आती है, मैंने देखा है, और जबरदस्ती आते ही ना वो बाहर नहीं बैठती, वो सुनैना के रूम के अंदर जाती है। तो उसके पापा बोलते कि हाँ तो वो किसी से ब्लैकमेल कर रही होगी तभी ना वो आती है आधी आधी रात को भी और उसके रूम में जाती, कहीं नहीं बैठती। तो उसके पापा, उसके जो सुनैना की मम्मा होती, बोलती कि अच्छा आपकी बेटी इतनी दूध की धुली है। तो उसके पापा बोलते कि हाँ मेरी बेटी क्या है, मुझे अच्छे से पता है, मेरी बेटी ऐसा गंदा काम कर ही नहीं सकती। तो सुनैना की मामा बोलते कि मेरी बेटी क्या है, मुझे अच्छे से पता है, वो उससे प्यार करती है इसीलिए उसके साथ ऐसे है। आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता है मेरी बेटी क्या है। हाँ मेरी बेटी को लड़की पसंद है तो है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, हर इंसान की फीलिंग्स होती है, उनकी भी नेचुरल है। मतलब फर्स्ट टाइम भाई साहब सुनैना की मम्मा सुनैना के लिए स्टैंड लेके वो साक्षी के पापा से लड़ रही होती है, बट यहाँ पे साक्षी ही हट चुकी होती है। सुने ना एकदम शॉक, और वो साक्षी की तरफ देख रही होती है, साक्षी एकदम सर नीचे करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। सुने ना साक्षी की तरफ देख के बोलती है कि साक्षी ये सब क्या है बच्चा। तो उसके पापा ना फिर से आते हैं सामने, बोलते कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बच्चा बोलने की। तो सुने ना एकदम से घबरा जाती है, तो उसकी मम्मा उसको पीछे ले लेती है, बोलती है सुने ना पीछे रहो, मेरे पीछे रहो, मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि मेरे बच्चों के ऊपर हाथ भी उठाए, हाँ मैं उसको गुस्सा करूं, उसको मारूं, उसको चाहे जो करूं, बट किसी को हक नहीं दिया है मैंने कि मेरी बेटी को हाथ उठाए। साक्षी तुम प्यार नहीं करती हो ना, सुनैना तुमको ब्लैकमेल करती है, अब सुनैना के सामने बोलो तुम उसको प्यार नहीं करती। तो साक्षी बोलती कि वो तो साक्षी के पापा बोलते बोलो क्या सच है, बोलो इसकी माँ के सामने बोलो, उनको भी तो पता चलनी चाहिए ना उनकी बेटी क्या गोल खिला रही है बाहर जाके। साक्षी बोलती कि वो तो सुनैना बोलती है कि साक्षी बोलो प्लीज, तुम भी बोल रही थी ना थोड़ी देर से पहले तो पूरी दुनिया से लड़ जाओगी मेरे लिए, क्या एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात है। तो साक्षी बोलती है कि ऐसा 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 कुछ 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 नहीं है पापा, वो झूठ बोल रही है, मैं नहीं प्यार करती, इनफैक्ट मेरा तो बॉयफ्रेंड है समीर, समीर मेरा बॉयफ्रेंड है पापा, मैं किसी लड़की को कैसे पसंद कर सकती हूँ, वो झूठ बोल रही है। और ये सुन के ना जो सुनैना होती है ना वो थम से बैठ जाती है, वो साक्षी की तरफ देखती है, बोलती साक्षी बस इतना था, वो बड़ी बड़ी बातें, वो दुनिया से लड़ने की बस इतना था। तो साक्षी के पापा बोलते कि आप सबको ना वार्निंग देके जा रहा हूँ, आपकी बेटी को बोलो खुद से वो जॉब छोड़ दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो सुनैना बोलती कि एक मिनट सर, मैंने आपकी बेटी के साथ गलत किया था ना, आपकी बेटी को मैं हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगती हूँ, और आइंदा से मैं उसकी ज़िंदगी में कभी 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 नहीं आऊंगी, उसको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी कभी। ऐसे बोलती है जैसे ना सुनैना, साक्षी की आंखों से ना बहुत ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं, वो साक्षी सुनैना को ना ऐसे बोल रही होती मत मत करो मत करो, बट वो जुबान से कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। मतलब बड़ी बड़ी बातें ना बोलना बहुत ईजी है कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुमसे सब लड़ जाऊंगा, बट जब लड़ने वाली बात होती है ना बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, और यहाँ पे साक्षी भी एकदम से पीछे हट जाती है सुनैना को अकेला करके। और यहाँ पे सुनैना एकदम से अकेली पड़ चुकी होती है, बट उसकी मम्मी स्टिल उसके साथ होती है। तो साक्षी के पापा बोलते कि ठीक है चलो बेटा, ऐसे बोल के ना वो साक्षी का हाथ पकड़ के आगे आगे जा रही होती है, साक्षी टर्न कर करके ना आंसू वाले नजरों से ना सुनैना को देख रही होती है, साक्षी खुद को गालियां दे रही होती कि क्यों 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 बोला मैंने ऐसे, क्यों नहीं वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, नहीं 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 जा सकती पापा, पापा पापा जान ले लेंगे, मैंने उनके सामने कुछ बोला तो नहीं 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 मैं सुनैना को बाद में समझाऊंगा, सब 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 समझा लूंगी, पहले मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो पागल हो रही होती है, कंटिन्यू स्लो ही आ रही होती है। उसके पापा उसको क्या कहते हैं, अच्छा रिलैक्स कुछ नहीं होगा, अपनी ब्लैकमेल करेगी वो आपको। साक्षी को मतलब साक्षी के दिल को इतना तो तकलीफ हो रहा होता है ना ये बात की वो बता भी नहीं सक रही होती किसी को, वो अपने पापा को हाथ करके ना कंटिन्यूस लड़ो ही जाती है। उसके पापा बोलते बच्चा
पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ऐसी हजार लड़कियों को ना तुम्हारी जिंदगी में आनी ही ना तुम्हें। और बेटा, तुम इन प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करो। नेक्स्ट ईयर मैं तुम्हारा फॉरेन कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करूँगा, आप बाहर जाके पढ़ाई करना। ये देश सेफ नहीं है आपके लिए। तो छी, टीचर हो के ऐसे गंदा काम। छी, मुझे तो टीचर बोलने में शर्म आ रही है। इसे ना बहुत उल्टी सुल्टी गंदा गंदा बातें बोलते हैं, और साक्षी को बिठा के अपने घर पे लेके जा रहे होते जाते हैं। साक्षी को उसके घर जैसे ही जा रही होती है ना, उसको इतना रोना आ रहा होता है, बोलते पापा मुझे अपने रूप जाना है। तो वो उसके पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, रेस्ट करो, एंड सॉरी कि मैंने आपके ऊपर इतना गुस्सा किया। अपने पापा से कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी, पता है ना, आपके पापा के बेस्ट फ्रेंड है। साक्षी हाँ बोलती है, और वो अपने रूम में चली जाती है, और उसको इतना ज्यादा रोना आ रहा होता था, इतना ज्यादा रोना आ रहा होता है ना, वो रो भी नहीं पा रही होती। दूसरी तरफ ना सुनैना को तो भरोसा टूट चुका होता है, ट्रस्ट टूट चुका होता है, सब कुछ टूट चुका होता है। उसकी मम्मा उसकी तरफ देखती है और बोलती कि तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, और मैंने इसी चीज़ के लिए ही किसी लड़की से घुलने मिलने के लिए मना किया था। कल यहाँ प्यार अपने हिस्से का क्या मिला तुमको? बस तिरस्कार ही ना। सुने ना कि दुनिया तुमको नहीं समझेगी, तुम जैसी हो तुमको नहीं समझेगी। ठीक है, तुम जैसी हो, तुम मेरी बेटी हो, मुझे एक्सेप्टेड है, पर बेटा तुम ऐसी लड़की को चुनो कि जिसको एक्सेप्टेड हो ये सारी चीज, ना कि ऐसे आधे रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम उसके लिए रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, क्या होगा? कि सॉरी बोल देगी, तुम उसको माफी कर दोगी, पर उसके बाद क्या होगा? यही ना, पूरी दुनिया के सामने तुम ही गलत बनोगी, कोई और गलत नहीं बनेगा। इसलिए मैं तुमको रोकती थी हर चीज़ के लिए। जाओ, इतना मत रो, आराम करो। ऐसे बोल के उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है, बट सुने ना कि आंखों से ना कहाँ ही आंसू रुक रहे होते। उतनी देर में ना उसके फ़ोन पे रिंग होने लगता है, वो भाग के जाती है, अपने फ़ोन को देखती है, वहाँ पर साक्षी का कॉल आ रहा होता है। सुने ना नहीं उठाती, चार कॉल पे भी नहीं उठाती, पांच कॉल पे भी नहीं उठाती, बस जब सिक्स नंबर वाला कॉल आता है ना, सुनैना रोक ही नहीं पा रही होती, उसकी आंखों में कंटिन्यूस आंसू हो रहे होते, बस उठा के ना गुमशुम हो जाती है। दूसरी तरफ से साक्षी बोलती है, बच्चा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं हुई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो, मैं बैठ रही बैठ प्रॉमिस, मैं सबको सबको बहुत 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 जल्दी बता दूंगी, सब 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 कुछ बता दूंगी, प्लीज बच्चा कुछ 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 तो बोलो ना, प्लीज प्लीज यार प्लीज। हेलो, सुन सुन सुने ना मैम, प्लीज प्लीज यार प्लीज, कुछ तो बोलिए। बट यहाँ से सुने ना कि ना लव से भी नहीं आ रहे होते, बस इसके आ रही होती है। साक्षी बोलती है, बच्चा प्लीज डोंट कराए, प्लीज मैं सब ठीक कर दूंगी ना, मुझे 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 थोड़ा सा टाइम दो, मैं पापा से बात करूंगी ना, कि ये सब इतना अचानक इतना जल्दी हो गया कि मुझे समझ सब समझ नहीं आएगा। प्लीज 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 माफ कर दो, प्लीज एक चांस, प्लीज एक सेकेंड चांस, प्लीज प्लीज मुझे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुने ना वो साक्षी को बोलती है कि साक्षी आप बहुत अच्छी तरह से बिलोंग करती हो, बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, इतनी कि आपको खुल मिल जाएगी। बच्चा आई लव यू, सॉरी मैं नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, आपके पापा ने बोला है ना स्कूल छोड़ दो, ठीक है मैं स्कूल छोड़ दूंगी, एंड इसी चीज़ के लिए ही मैं मना करती थी। मुझे डर था कि आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और आपने मेरे डर को सही साबित कर दिया। मैं गलत इंसान नहीं हूँ साक्षी, और मुझे गलत बन के किसी के सामने नहीं रहना है। आपका और मेरा साथ यहीं तक था, एंड आई एम सॉरी बाय, ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है, और उसको ब्लॉक लिस्ट में डालती है, और उसका नंबर डिलीट कर देती है। सुने ना उधर साक्षी बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, एकदम पागल हो रही होती है, मतलब 10 का 11 बज जाता है, 12 का 1 बज जाता है, साक्षी की आंखों में नींद ही नहीं होता, वो एकदम बहुत ज़्यादा टूटी हुई होती है, बहुत ज़्यादा टूटी हुई होती है, एकदम पागल हो जैसे ना अपने घर की खिड़की से कूद के सुने ना के घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ ना सुने ना को भी इतना दर्द हो रहा होता है ना, वो भी सो नहीं पा रही होती है, कंटिन्यूसली क्राई कर रही होती है, क्राइंग क्राइंग होल लॉट्स ऑफ क्राइंग। और साक्षी ने एकदम भाग खोल के ना जैसे तैसे खाली पैर में ना भागते हुए उसके पैरों में चोट लगी होती है, और वो सुने ना कि घर के बाहर आके ना उसके खिड़की पे पहले से नॉक नॉक करने लगती है। सुने ना को पता होता है कि वो साक्षी ही है, सुने ना नहीं खोलती। साक्षी फिर से बोलती है, बच्चा प्लीज़ प्लीज़ ओपन द डोर प्लीज़, ऐसे बोल के ना और ज़्यादा नॉक नॉक करने लगती है।
तो उसकी मम्मा बाहर निकलती है, बोलती है क्या इतनी रात को क्या कर रही हो, तुम्हारे पापा को बुलाओ। मैं मेरी बेटी तो तुमको किडनैप की थी ना, मेरी बेटी तुमको ब्लैकमेल कर रही थी, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करती थी सब कुछ, आप यहाँ पे क्या करने आई हो। हाँ तो ऐसे बोल के ना बहुत बुरा भला कर बोलने लगती है। साक्षी बोलती प्लीज 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 आंटी मुझे 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 एक बार सुनैना से मिलने दीजिए ना, प्लीज मुझे सुनैना मैम से एक 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 बार मिलना है प्लीज। तो उसकी माँ बोलती छाओ यहाँ से, मेरी बेटी किसी से नहीं मिलेगी। तो साक्षी बोलती प्लीज प्लीज आंटी प्लीज एक 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 बार प्लीज। तो उस बोलती कि तुम जा रही हो कि तुम्हारे पापा को बुलाऊं मैं। हाँ तो सुनैना निकल जाते, बोलती कि मम्मा मुझे भी बात करनी है प्लीज, दो मिनट भेज दूंगी उसको कर प्लीज, को छोड़ के आ रही हूँ उसको, आप जाइए अंदर रेस्ट कीजिए। ऐसे बोल के ना वो कैब बुक करती है ऑनलाइन और वहीं पे खड़ी रहती है। साक्षी भी वहीं पे खड़ी रहती है, उसकी मम्मा अंदर चली जाती है। साक्षी एकदम पैरों में गिर जाती है सुनैना की, बोलती है बच्चा आई एम सॉरी प्लीज प्लीज डू लीव मी प्लीज आई कांट लिव विदाउट यू प्लीज। तो सुनैना बोलती है कि मैं नहीं छोड़ी हूँ आपको बच्चा, बट मुझे टाइम चाहिए। तो साक्षी बोलती कि कितना दिन चाहिए, एक दिन दो दिन जितना दिन लेना लीजिए प्लीज, मुझे छोड़ के बच जाइए प्लीज 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 प्लीज। उसने देर में ना कैब पहुँचाती है, सुनैना बोलती है साक्षी को कैब में बैठिए। तो साक्षी बोलती नहीं मुझे कैब में नहीं बैठना प्लीज। तो सुनैना साक्षी के हाथ पकड़ती है और उसके साथ कैब पर बैठ जाती है। साक्षी बोलती कि आई एम सॉरी मैं बताऊंगी ना, मुझे तो थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए। तो सर सुनैना बोलती कि इट्स ओके आपको थोड़ा टाइम, आप पहले मेच्योर हो जाइए, इस लायक हो जाइए कि आपको आपका प्यार बेइज्जती नहीं सम्मान लगे तब प्यार करेंगे। तो साक्षी बोलती नहीं 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 मुझे 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 तब तक कहाँ आपसे ना दूर नहीं रहना प्लीज, डोंट लीव मी प्लीज, मैं मैम चाहूंगी आपके बिना सुनैना मैम प्लीज। तो साक्षी सुनैना बोलती कि साक्षी मैं नहीं जा रही हूँ किसी और के साथ, बस थोड़ा इंतज़ार थोड़ा इंतज़ार थोड़ा और, पहले पढ़ाई ख़त्म कर लो, अब दुनिया देखो सब चीज़ करो, मैं इंतज़ार करूँगी आपका, जितना बोलोगी उतना इंतज़ार करूँगी, पर मेरे पास तब आना जब आप मुझे एक्सेप्ट कर सको दुनिया के सामने, जैसे बोलती हो ना पति हो तुम्हारा प्रोटेक्ट करना काम है मेरा, ऐसे बोल सको दुनिया को कि ये बीवी है मेरी, तब आना मेरी जिंदगी में, तब तक के लिए नहीं प्लीज मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। साक्षी बोलती नहीं 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 प्लीज 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 मैं पैर पकड़ रही हूँ ना। तो सुनैना बोलती पागल हो क्या, भाग चढ़ाओगी मुझे, नहीं प्लीज नहीं। इतने देर में ना साक्षी का घर आ जाता है और सुनैना उसको वहीं पे ड्रॉप कर दी, साक्षी उतर ही नहीं रही होती। सुनैना बोलती प्लीज जाओ प्लीज। तो साक्षी बोलती आप पापा घर चलो मेरे साथ, मैं पापा को अभी 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 बोलती हूँ कि आप बीबी हो मेरी। तो सुनैना बोलती है भूल पाओगे, साक्षी बोलती कोशिश करूँगी। सुनैना बोलती कि अच्छा घर जाओ, साक्षी बोलती नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। सुनैना बोलती घर जाओ बच्चा, साक्षी बोलती नहीं जाना मुझे आपको नहीं छोड़ना है। सुनैना बोलती कि मैं नहीं छोड़ रही हूँ आपको, खुद को कुछ टाइम दो, समझने के लिए कुछ टाइम दो, मैं नहीं जा रही हूँ ठीक है, मैं शहर छोड़ के भी नहीं जा रही हूँ, पर प्लीज़ आज के बाद मेरे पास मत आना प्लीज़, टाइम लगेगा हम बात नहीं करते। ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ का डोर ओपन कर दिए और साक्षी को उसके घर जाने के लिए बोलती है, पर साक्षी ना सुने ना को एकदम से हक कर लेती, बोलती है प्लीज डोंट लीव मी प्लीज़, मैं जाऊंगी आपके बिना प्लीज डोंट लीव आई कांट लीव विदाउट यू प्लीज। सुनैना बोलती बच्चा प्लीज आई आल्सो, बट ऐसे नहीं होता कोई आके मेरी माँ के सामने ऐसे गलत बातें बोल के जाए, ये मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता, मैंने भी एक्सेप्ट किया है ना खुद को, मुझे मैं चोर नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये चोरी का रिश्ता प्लीज 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 मेरे पास तब आना जब हिम्मत हो खुद को एक्सेप्ट करने की कि आप कौन हो प्लीज, तब तक नहीं। साक्षी बोलती मैं कर रही हूँ ना बस थोड़ा टाइम, मैं करती हूँ ना, मैं सब करूँगी, जो 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 आप बोलोगे मैं सब 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 करूँगी, बट प्लीज़ प्लीज़ ढूंढ को प्लीज़ ढूंढ को। साक्षी बोलती कहाँ जा रही हूँ,
आंसरों के सामने होना आपकी, प्लीज डोंट प्लीज। तो सक्षोती नहीं जाना सुने ना उसको, ना एकदम पकड़ के उसके डोर तक लेके जाती है। सुनना भी बोलती नहीं जाना ना, नहीं जाना। सुने ना बोलती है बच्चा प्लीज आपके घर वाले जाग जाएंगे, फिर तमाशा होगा। अभी बोलती जागने दो मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना आपको, जो क्या आपको समझ नहीं आता। नहीं भाई मेरी आंसू आपको कितना प्यार करते हो मुझे। सुनी ना बोलती कि ठीक है बात करेंगे, कुछ 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 नहीं बोल रहा हमारे बीच, बट प्लीज आप अपने जाओ। बोलती पक्का? सुनी ना बोलती हाँ पक्का। अक्षय बोलती मुझे नहीं छोड़ोगे ना? सब सुनने बोलते नहीं नहीं छोड़ूंगा बच्चा, घर जाओ रिलैक्स, हाँ रिलैक्स करो। अक्षय बोलती सच बोल रही हो ना? सुनने बोलती कि हाँ हाँ बच्चा सच बोल रही हूँ, प्लीज घर जाओ। अक्षय बोलती ठीक है सुबह मैं लेने आऊंगी, आप मेरा वेट करना। सुनने ना बोलती कि हाँ वेट करूंगी प्लीज जाओ। अक्षय बोलती मैं कॉल करूंगी आपको। सुनने ना बोलती हाँ मैं कॉल उठाऊंगी आपकी प्लीज जाओ। ऐसे बोल के ना उसको उसके घर के अंदर भेजती है, वो कैब में बैठती है, अपने घर तो आ जाती है बस घर के अंदर नहीं जाती। वो पूरे रास्ते गार्डन मतलब पूरी रात गार्डन में बैठती है, उसकी आंखों से ना आंसू खत्म ही नहीं हो रहे होते कि वो क्या करे क्या नहीं। एक तरह वो साक्षी को भी पूरी तरीके से दोस्त नहीं दे सकती यार, बच्ची है वो, और जो साक्षी ने भी किया वो भी तो सही नहीं है ना यार, कि पीछे हट जाना। तो सो फ्रेंड्स देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा साक्षी ने जो किया उसके बाद सुनैना को उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मूव ऑन कर लेनी चाहिए। यार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं कमेंट किया ना स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी, फिर 4 दिन बाद आएगी फिर बोल मत बोलिएगा मुझे, क्योंकि आपका कमेंट ही डिसाइड करेगा ना आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड यार, तो अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए, डांटना होगा तो डांट भी लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नवी नवी एपिसोड में फिर कभी। एंड 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 जो लोग बिहारी है फ्रॉम बिहार, उन लोगों को हैप्पी छठ पूजा एंड एंजॉय योर फेस्टिवल, एंड मेरे लिए ठीक हो जरूर भेजना कमेंट सेशन में। सो टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।